लेटेस्ट साइंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी साइंस वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे मोबाइल फोन वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम हजारों किलोमीटर बैठे हमारे रिलेटिव से कम्युनिकेट कर पाए हैं। हमारे SMS, कॉल, वीडियो कॉल रेडियो वेव की फॉर्म में ही ट्रैवल करते हैं, जिससे वायरलेस कम्युनिकेशन संभव हो पाया है। पर अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में कौन सा वो पार्ट होता है जिससे इस वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है, यानी जहां से रेडियो वेव उत्पन्न होती है। आपको यह जानने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस की जाती है। तो दोस्तों, जब एक वायर पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है, तो यह इलेक्ट्रिक करंट वायर के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे यह फील्ड रेडियो वेव को जन्म देता है। और जब भी इलेक्ट्रिक करंट रिमूव किया जाता है, तो यह फील्ड फिर से एक वेव को जनरेट करता है। जब जब एक टाइम और पीरियड के साथ इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई और रिमूव किया जाता है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक सीरीज अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर प्रोपेगेट होती है। तो दोस्तों, यदि इलेक्ट्रिक करंट बार बार पोलैरिटी और डायरेक्शन बदलता है, तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी रेडियो वेव उत्पन्न की जा सकती है। पर अब बात आती है कि हमारे मोबाइल फोन में यह प्रक्रिया कौन से सेक्शन में दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया हमारे मोबाइल फोन में RF प्रोसेसर करता है, यानी रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी प्रोसेसर। दोस्तों, इस प्रोसेसर के दो मॉड्यूल होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल। ट्रांसमीटर मॉड्यूल का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट करना, और रिसीवर मॉड्यूल का काम होता है कि आ रहे रेडियो वेव सिग्नल को रिसीव करना। जब हम फोन पर बात कर रहे होते हैं, तो हमारे मोबाइल फोन में लगा एक माइक्रोफोन यानी माइक हमारी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल RF मॉड्यूल के द्वारा ट्रांसमिट और रिसीव किए जाते हैं। यह प्रक्रिया लाइट की स्पीड से होती है। तो दोस्तों, इसी तरह से वो सभी प्रकार के डेटा रेडियो वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट किए जाते हैं, जो हम आज इस वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया में देखते हैं, जैसे वीडियो, म्यूजिक, फोटो, डॉक्यूमेंट, फाइल। वो सभी प्रकार के डेटा जो हम हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं, वो सभी रेडियो वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट और रिसीव किए जाते हैं, जिसके कारण इस वायरलेस टेक्नोलॉजी से हमारे माहौल में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और वायरलेस टेक्नोलॉजी से ही हम समय और ऊर्जा बचा पाए हैं। आज हम रेडियो वेव की हेल्प से ही दूसरे ग्रह पर हमारे रोबोट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट साइंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी साइंस वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे।